हेलो फ्रेंड्स, आज हम चने का दाल गोश्त बना रहे हैं। हमने लगभग 350 ग्राम गोश्त ले लिया है और देखें ये काफी बड़ा पीस है। अदले के गोश्त में आज हम बनाएंगे, तो हम इसे थोड़ा सा सबसे पहले छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको थोड़ा छोटा हमने काट लिया है। इसी तरह से इस वाले पीस को भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कट गया है तो ये हमने 300 ग्राम के करीब, 250 से 300 ग्राम के करीब चने की दाल देखें भिगो दी थी लगभग एक घंटा पहले। और हम थोड़ा सा लौकी भी ऐड करेंगे। देखें डालनी है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें से ये एक मीडियम साइज प्याज है, मोटा मोटा काट लिया है, भंगार का प्याज है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला है। सरसों के तेल में बनाएंगे, थोड़ा सा ये लेंगे, लहसुन अदरक हमारा हमने लगा डाल लेंगे। आगे मसाले हमारे जले नहीं, फिर से मसालों को के यहाँ पे चने का दाल गोश्त बना रहे हैं। मीट को हम भून लेंगे, अच्छी स्मेल आ रही है, भूनने की और दाल के साथ थोड़ा सा अच्छे से भूनेंगे। फिर हम गलाने के लिए पानी डालेंगे, जितनी हम और ऐड कर रहे हैं ताकि सब चीजें आपस में मिल जाएं। और अब हम इसे प्रेशर पर लगा देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। दस गला के नहीं, वाओ देखें बहुत अच्छी हमारी दाल और गोश्त गल गया है दोनों चीजें। और दाल गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, पानी ऐड करेंगे हम, डालना है सारा सारा पानी नहीं डालना है। देखें हम लौकी डाल देंगे इस तरह से और उसके बाद हम प्रेशर पर लगाएंगे। 4 से 5 विसल तक हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। गैस का फ्लेम, प्याज देखें हमारे अलग कर लेंगे। चेक करते हैं हमारी लौकी, सारी चीजें बहुत अच्छी गली हैं। देखें बहुत
अच्छा बना है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। सैलेड पर भी देखें हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और